नमस्कार। आज हम लोग चर्चा दो तीन विषयों पर करने वाले हैं, जिसमें एक विषय ये है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो मैंने पीछे कुछ बातें कही थी, मोदी जी को सजेशंस दिए थे, उन सजेशंस को उन्होंने माना। आज के मन की बात में उन्होंने उन बातों को इंडोर्स किया। दूसरा विषय ये है कि झारखंड में कुछ दुकानदार अपने दुकान पर हिंदू शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनको उनके खिलाफ़ FIR हुई और उनकी गिरफ्तारी हुई, उस पर हम चर्चा करेंगे। तीसरी बात यह है कि हमारा नेक्स्ट प्लान क्या हो सकता है, जब ये फेक इंडस्ट्री, मैंने पीछे एक वीडियो में चर्चा की थी कि ये फेक इंडस्ट्री है और फेक इंडस्ट्री 80% हमारी एनर्जी को वेस्ट कर देती है और हम उसी में लगे रहते हैं। उस फेक इंडस्ट्री को अगर बंद किया जाए या वो बंद हो जाए तो उसके सोल्यूशंस क्या हैं, हम कैसे उसको लेके आ सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पाँचवीं बात यह है कि जो व्यवहार है, मैंने एक पीछे वैदिक ज्यूरिसप्रूडेंस को लेकर एक लेक्चर BHU में दिया था, उसको भी हमने पब्लिश किया था कि कैसी सोसाइटी हो। तो आज के पुलिस का जो एक्शन है, रिएक्शन है, कोर्ट्स के एक्शन रिएक्शंस हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। पहली बात पर हम आते हैं कि माननीय मोदी जी ने जो पीछे हमने वैदिक एजुकेशन को लेकर, वैदिक संस्कृतियों को लेकर, वैदिक व्यवहार को लेकर, आयुर्वेद को लेकर और वे ऑफ लाइफ को लेकर बहुत सारे सजेशंस दिए थे, पूरे देश ने उसको अप्रिशिएट किया है, उसके साथ साथ वो सारी चीज़ें मोदी जी ने अपने शब्दों में आज कही। इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो देश की बात सुनते हैं, हमारे जैसे छोटे व्यक्ति की, हमारे जैसे एक नासमझ व्यक्ति की बात सुनते हैं। और मैं, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि मोदी जी का नाम आप लिख देते हैं, जैसे मैंने टाइटल दिया मोदी जी 5000 साल पुरानी संस्कृति में ले जाएंगे, या मोदी जी आयुर्वेद अपनाओ। ऐसा मैं मोदी जी का शब्द इसलिए इस्तेमाल करता था क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री के पास हमारी बात पहुंच जाए, और मुझे ये इंटेलिजेंस के स्वभाव को मैं जानता हूं कि वो कौन कौन सी बातों को कंसीडर करते हैं, इसलिए शब्द इस्तेमाल करते थे। बहुत लोगों को उस पर कष्ट हुआ कि मोदी जी का नाम इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन मोदी जी का आज धन्यवाद देते हैं। अब दूसरी बात कि झारखंड में जमशेदपुर में बहुत सारी दुकानें बुक की गईं। समस्या क्यों आई और ये परिस्थितियाँ क्यों ऐसी बनी? समस्या इसलिए आई क्योंकि बहुत सारे देश में तथाकथित ऐसे लोग जो देश की संस्कृति को, देश के इंसानों को, देश की व्यवस्था को अपनी व्यवस्था नहीं मानते और वो अपने पितामह कहीं खाड़ी में स्वीकार करते हैं और खाड़ी की तरफ बैठकर ही अपनी पूजा पाठ भी करते हैं, उनके बहुत सारे वीडियोस आ रहे थे जिसमें कोई पेशाब कर रहा था, कोई थूक रहा था, कोई थूक लगा के फल फ्रूट बेच रहा था। ऐसी परिस्थिति में समाज के अंदर आक्रोश होना स्वाभाविक है। तो समाज कैसे सुधरे, इसके लिए कुछ शॉपकीपर्स ने अपनी शॉप पर विश्व हिंदू परिषद, हिंदुओं का नो डाउट संसार का सबसे बड़ा संगठन है, तो विश्व हिंदू परिषद द्वारा पोषित या विश्व हिंदू परिषद द्वारा रिकॉग्नाइज दुकान और हिंदू फल की दुकान शब्द इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि जब हम इस्लामिक स्टडीज़ जैसे शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, अरेबियन कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज़ जैसे जो सिलेबस हैं वो देश में कंसीडर करते हुए यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ाते हैं मुसलमानों को, उर्दू लैंग्वेज जहाँ पर और अरबी लैंग्वेज जहाँ पर इस्तेमाल की जाती है वहाँ अरब संस्कृति पढ़ाते हैं। हमको सबको मालूम है कि अरब संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसने उस प्रोपोगेशन करने वाले व्यक्ति को, जिसको वो पैगंबर कहते हैं, उनके बच्चों को भी जीवित नहीं छोड़ा, उनके वंशजों को घेर घेर कर करबला में मारा। ऐसे लोगों की संस्कृति भारत में पढ़ाई जाती है, लिखित रूप से पढ़ाई जाती है और उस पर डिग्रियां दी जाती हैं। तो मैं जानना चाहता हूं, अगर हिंदू शब्द इस्तेमाल करने पर उसको बुक किया जाता है तो कल आप क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को बुक करेंगे, क्या हिंदू संस्कृति विद्यालय को बुक करेंगे? 1905 में एक बड़ा आंदोलन देश में चला था और संस्कृत विद्यालय, हिंदू विद्यालयों की स्थापना की गई थी, अंग्रेजी एजुकेशन का बहिष्कार किया गया था। उस 1905 के आंदोलन का नतीजा यह निकला था कि बंगाल का विभाजन रोका गया था। उस 1905 के आंदोलन का नतीजा निकला था कि उस समय हमने वैदिक एजुकेशन दोबारा शुरू की थी मैकाले की एजुकेशन के विरुद्ध, और उन सभी संस्थाओं में हिंदू शब्द इस्तेमाल किया था। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन सकती है
तो क्या कोई एक व्यक्ति अपनी दुकान पर हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्या हिंदू शब्द इस्तेमाल करना भारतवर्ष में पाप है? क्या हिंदू शब्द इस्तेमाल करना किसी कानून में ऐसा लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है, उसको जेल में भेजा जा सकता है? दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये जो शॉपकीपर्स हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैटर पड़ता है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मैटर में एक बात बिल्कुल साफ क्लियर है कि मैं एक ऑफर देता हूं, उस ऑफर को सामने वाला स्वीकार करे या ना करे ये उसकी मर्जी की बात है, और सामने वाला अगर कोई मुझे ऑफर देता है, मेरा प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट को किस नाम से बेचता हूं, किस प्रकार से बेचता हूं, उस प्रोडक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहीं से भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। और मैं क्या कह के ऑफर देता हूं और सामने वाला क्या कह के ऑफर लेता है और वो स्वीकार करता है नहीं करता है, उस पर मनाही नहीं की जा सकती। मैं वकालत करता हूं, अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है अपना केस लेकर, तो वो मुझे बाध्य नहीं कर सकता। मैं अगर कहता हूं कि मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ूंगा, तो वो मुझे बाध्य नहीं कर सकता कि मैं उसका केस लड़ूं। कोई व्यक्ति मेरे पास पढ़ने आता है, मैं सरकारी एजुकेशन, सरकारी टीचर नहीं हूं, जहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स लागू होते हैं। आप कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स हैं कि ऐसा ना किया जाए, इक्वालिटी रखी जाए। ये फंडामेंटल राइट्स केवल सरकारी संस्थान और सरकार के खिलाफ लागू होते हैं, फंडामेंटल राइट्स प्राइवेट इंडिविजुअल की डीलिंग के खिलाफ लागू नहीं होते। इसलिए मेरे पास कोई पढ़ने आता है और मैं उसको मना कर देता हूं कि मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा, तो सरकार मुझे बाध्य नहीं कर सकती कानूनन कि आप किसको पढ़ाएं और किसको ना पढ़ाएं। किसी ने मुझे ऑफर दिया, मैं उसको नहीं स्वीकार करता। मैंने किसी को ऑफर दिया, वो नहीं स्वीकार करता, वो स्वीकार करे या ना करे ये उसकी इच्छा की बात है। ये फंडामेंटल राइट है उसका, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसका फंडामेंटल राइट है, ट्रेड एंड बिजनेस उसका फंडामेंटल राइट है, ट्रेड ऑफ हिज ओन चॉइस उसका फंडामेंटल राइट है, ट्रेड इन देयर ओन मैनर उसका फंडामेंटल राइट है। जब तक कि आर्टिकल 19 के सब आर्टिकल 2, 3, 4, 5, 6 में प्रतिबंध न लगाया गया हो, और आर्टिकल 21 में जब आप कहते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अरे भैया मेरी लाइफ और मेरी पर्सनल लिबर्टी मैं किसको बेचूं, किसको ना बेचूं, किसके साथ डील करूं, किसके साथ डील ना करूं, अगर आप ये मुझे स्वतंत्रता नहीं देंगे तो मैं किस फंडामेंटल राइट की जिंदगी में जी रहा हूं, मैं कौन से देश में जी रहा हूं? आप फंडामेंटल राइटों को लेकर जेएनयू में अगर स्टेटमेंट दे सकते हैं, और जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कोई फंडामेंटल राइट का कह सकता है, कोई ये कह सकता है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा होगा, कोई ये कह सकता है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, तो क्या भारत में एक दुकानदार अपनी दुकान के आगे हिंदू शब्द नहीं लिख सकता? क्या मैं डीके दुबे की जगह डीके हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्या मैं डीके दुबे की जगह हिंदू डीके दुबे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्या मैं डीके दुबे की जगह डीके दुबे हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकता? क्या भारतवर्ष में हिंदू शब्द पाप हो गया है? क्या हमारे देश के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि खाड़ी में भी ऐसा नहीं होता कि अगर कोई हिंदू शब्द इस्तेमाल करे तो वहां पर भी बैन नहीं लगाया जाता, भारतवर्ष में मुकदमे करके उसको जेल भेज दिया जाएगा? दुर्भाग्य है हमारे इस समाज पर, दुर्भाग्य है इस देश पर कि ये देश किस पर किस रास्ते पर चल दिया है और कैसा हमारा देश बन रहा है, कैसी सरकारें हम चुन रहे हैं, कैसे लोगों को हम चुन रहे हैं जो अपने नाम के आगे हिंदू, अपनी दुकान के आगे हिंदू, अपने सरनेम के आगे हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ये एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है, और झारखंड सरकार को ऐसा करने के लिए तुरंत तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी भावना जो व्यक्ति रखेगा, जो सरकारें रखेंगी, उन सरकारों को सरकार हिंदुस्तान में बनाने का अधिकार नहीं है, उनको चलने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं भारत सरकार से, और मैं पूरे देश से आह्वान करता हूं कि झारखंड सरकार को बर्खास्त किया जाए अगर वो ऐसी कार्रवाई करते हैं, अन्यथा उनका इलस्ट्रेशन लेते हुए बाकी की सरकारें भी ऐसा करना शुरू कर देंगी। इसलिए इन सरकारों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं, और ऑनरेबल कोर्ट्स इस पर स्यू मोटो एक्शन ले, स्यू मोटो इसको कंसीडर करे, झारखंड हाई कोर्ट इस पर स्यू मोटो कंसीडर करे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको स्यू मोटो कंसीडर करे, और इस पर मैंडमस की रिट इश्यू करे। मैं आह्वान करता हूं। इस विषय के अलावा पुलिस की जो कार्रवाइयां हैं, ये तो मैंने सरकार की बात बताई, पुलिस का व्यवहार, हमने एक पीछे लेक्चर BHU में दिया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में माननीय मोदी जी ने एक नया संस्थान खोला है वैदिक एजुकेशन पर।
यानी कि वैदिक विज्ञान केंद्र खोला, उस पर बड़ी अच्छी खासी खर्चा हुआ है। जो आज मोदी जी बोल रहे थे वो वैदिक विज्ञान केंद्र बनाने का उनका कारण भी यही है कि लोग वैदिक शिक्षा को समझें। आज वो कह रहे थे कि जब विदेशों से घूम कर आती है कोई बात तो हम उसको ज़्यादा सर्टिफाइड करते हैं, लेकिन भारत का आयुर्वेद आज की तारीख में पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। जैसे कि भारत में भारत के योगा को पूरे विश्व ने स्वीकार किया, आज भारत के आयुर्वेद को पूरा विश्व अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए स्वीकार कर रहा है। तो भारत की वैदिक एजुकेशन में क्या था? वे ऑफ लाइफ ही भारत की वैदिक एजुकेशन है। तो भारत की वे ऑफ लाइफ वैदिक एजुकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए ही बीएचयू बना, बीएचयू में एक वैदिक विज्ञान केंद्र बना। सौभाग्य से उसका पहला कार्यक्रम हुआ और मुझे उन्होंने लीगल ज्यूरिसप्रूडेंस यानी कि वैदिक ज्यूरिसप्रूडेंस पर लेक्चर देने के लिए बुलाया। तो मैं वहां पर कह रहा था कि हम राइट ओरिएंटेड सोसाइटी में जीने लगे हैं जब अंग्रेज आया या जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, और पूरे विश्व के जो वेस्टर्न कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो राइट ओरिएंटेड हैं। हर व्यक्ति अपना राइट क्लेम करता है और राइट क्लेम करते समय वो अपनी ड्यूटीज भूल जाता है, इसलिए पति पत्नी के खिलाफ, पत्नी पति के खिलाफ, मां बेटे के खिलाफ, बेटा मां के खिलाफ, ये राइट राइट जब खेलते हैं तो झगड़े होना स्वाभाविक है और वो इतने झगड़े हो जाते हैं कि उनके डिवोर्स हो जाते हैं। लेकिन वैदिक सोसाइटी में ड्यूटी ओरिएंटेड सोसाइटी थी जिसमें हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझता था। तो क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन में आज ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं जिसमें यह कहा जाए कि ड्यूटी सबकी है और ड्यूटी के वायलेशन पर मुकदमा होगा, राइट के इंफ्रिंजमेंट पर जो होगा सो होगा, ड्यूटी के वायलेशन पर मुकदमा होगा, अगर कोई अपनी ड्यूटीज वायलेट करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब ड्यूटी की बात रहती है तो सारा समाज बिगड़ा हुआ है, तो पुलिस प्रशासन अगर बिगड़ गया तो क्या बुरा था, एडमिनिस्ट्रेशन बिगड़ गया तो क्या बुरा था। आज सोसाइटी के इस कोरोना के समय पर जो रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस के बाद पुलिस का व्यवहार बदल गया। एक आध केस कहीं ऐसे रहते होंगे उसको मैं नहीं कहता, लेकिन पूरे देश की पुलिस, पूरे देश की जो डिफेंस है, पूरे देश की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस आज अपना दायित्व मानकर घर घर जाकर भोजन की व्यवस्था और क्या कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ये पूरी सोसाइटी के लिए है। क्या हम अपना व्यवहार वैदिक तरीके से चेंज कर सकते हैं या हम वैदिक सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं? उसको अडॉप्ट करने का परिणाम ये निकल सकता है कि मैं अपने देश में अपना एक सिस्टम बनाऊंगा जिस सिस्टम का इलस्ट्रेशन पूरे संसार में होगा। इसके अलावा जो मैंने पीछे फेक इंडस्ट्रीज की बात की थी कि आज के समय पर 15% 20% या 25% जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेबिलिटी थी भारत की, वो डिपेंडेबिलिटी पर ही भारत चल रहा है। बाकी 75% जो सर्विस सेक्टर और अदर सेक्टर था, वो सेक्टर तो फेल हो गए इस समय, और वो सारे फेक थे, उनकी बहुत आवश्यकता भी नहीं है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को कम कर लें तो उस इंडस्ट्री की आज हमें जरूरत नहीं है, और उस इंडस्ट्री की जरूरत ना होने का परिणाम यह निकला कि एनवायरमेंट अपने आप स्वच्छ हो रहा है। आज जमुना जी के पानी में मछलियां साफ दिखाई दे रही हैं, जिस जमुना जी में दिल्ली में आप पानी तो छोड़ दीजिए, नाले के अलावा, बदबू के अलावा कुछ दिखता नहीं था, आज वो पानी बिल्कुल स्वच्छ दिखाई दे रहा है, निर्मल दिखाई दे रहा है। चिड़ियां आजकल फिर चहचहाने लगी हैं, देश का एनवायरमेंट बदल रहा है, हमें स्वच्छ हवा फिर मिलने लगी है। जिस दिल्ली में इस गर्मी में हम लोगों को रुकना मुश्किल होता था पोल्यूशन की वजह से, इस अप्रैल के महीने में, उस अप्रैल के महीने में अभी बहुत कम लोगों ने अपने एसी शुरू किए हैं, बाकी लोग कूलर से काम चला रहे हैं, और अगर कूलर भी नहीं है तो भी काम चल रहा है। नहीं तो अप्रैल का ये जो अंत समय जा रहा है, अप्रैल और मई, इस समय बिना एसी के हम बैठ नहीं पाते थे। यानी कि वार्मिंग इस पूरी फेक इंडस्ट्री की वजह से हुई, और फेक इंडस्ट्री इस समय बंद है। ये फेक इंडस्ट्री डबल जगह भी कवर करती है। मैं इस बात को कि एग्रीकल्चर सेक्टर से कैसे नया प्रबंधन हो सकता है उस पर मेरे विचार क्या है, और इस फेक इंडस्ट्री को बंद करने का एडजस्टमेंट कैसे होगा, रिहैबिलिटेशन कैसे होगा लोगों का, उस पर कल एक अलग से हम पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि विषय बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए पूरे सिस्टम को आज हम कैसे कर सकते हैं वो भी मैं मोदी जी से आग्रह करूंगा कि अगर उस पर वो कुछ कर सकें तो उनको करना चाहिए, क्योंकि इस संकट में कुछ भी हो सकता है। भारतीय परंपराओं को तो अडॉप्ट आसानी से कर ही सकते हैं। हाँ, जो भारत की संस्कृति को अपनी संस्कृति नहीं मानते, जो भारतवर्ष को अपना देश नहीं मानते, जो भारत के पूर्वजों को अपना पूर्वज नहीं मानते और वो आक्रांताओं को अपना बाप मानते हैं, उनको तो कष्ट होना स्वाभाविक है। इसलिए उनकी चिंता किए बगैर आप आगे बढ़िए, मैं उस पर कल एक रोड मैप देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
मोदी जी को अगेन धन्यवाद कि उन्होंने मेरी बातों को एंडोर्स किया। इस वीडियो के नीचे मैं उसके लिंक दूंगा जो जिन पीछे लेक्चर्स में मैंने कुछ कहा है। और इसके अलावा एजुकेशन इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है उस पर भी मैंने पीछे डिस्कशन किया था कि एजुकेशन इंडस्ट्री का क्या किया जा सकता है। तो एजुकेशन इंडस्ट्री को आप, आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ऑनलाइन किया जा सकता है, आप सारे संस्थान बंद कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो क्लासेस चलाई जा सकती हैं, इंटरेक्टिव क्लासेस चलाई जा सकती हैं, और बच्चे का समय, बच्चे का पैसा, बच्चे के घर से निकलना, सब कुछ आप उसको अपने घर में करवा सकते हैं। और बाकी बची जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की बात है, गांव में व्यवस्थाएं हैं, गुरुकुल व्यवस्था बनाई जा सकती है, मैंने उस पर भी एक पीछे लेक्चर दिया था, उसको भी लिंक करूंगा। इन पूरी बातों पर कल विस्तार से चर्चा करेंगे कि हम नई इंडस्ट्री को, नए भारत को कैसे बना सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नीचे लिंक दिया हुआ है मेरे ऐप का, उस ऐप को डाउनलोड करिए। भारत के कानूनों के बारे में जानना हो तो उस ऐप में पेड क्लासेस भी पड़ी हुई हैं और फ्री क्लासेस भी पड़ी हुई हैं, जो आपको उचित लगे उसको देखिए। धन्यवाद। एक चीज़ ज़रूर हम कहेंगे कि कल का जो लेक्चर होगा या कल जो मैं रोड मैप अपने मन से एक रखने वाला हूँ, जो मेरे विचार हैं, उस वो थोड़ा लंबा होगा। मुझे लगता है कि अपनी बात को कहने में मुझे कम से कम आधा घंटा तो लगेगा, इसलिए उस पूरे प्लान को जरा धैर्यपूर्वक सुनिएगा। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि उसको सुनिएगा जरूर। आपको अच्छा खराब जो लगे कमेंट नीचे करिएगा, लेकिन उसको एक बार सुनिए जरूर। क्या हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूं, हो सकता है कि मैं सोच रहा हूं उसको इंप्लीमेंटेशन में लाया जा सकता है, और नहीं लाया जा सकता तो जैसा चल रहा वैसा तो चल ही रहा है, हम गर्त में जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं, लेकिन एक बार जरूर सोचिएगा प्लीज। मैं आग्रह करता हूं आप सभी से।